given figure PA, QB and RC are perpendicular to AC. हमें प्रूव करना है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन y. ये फिगर है जो गिवन है. अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे जो हमें रिलेशन बनाना है x, y, z में, वो साइड्स हैं और वो भी क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि PA, QB और RC AC पे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है और ये x, y, z जो गिवन है ये परपेंडिकुलर की ही लेंथ है. चलिए सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का है और सिमिलरिटी से ये लगेगा. देखते हैं कैसे लगेगा. सो यहाँ पे हम पिक करने वाले हैं पहले एक ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल है अपना PAC. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PAC एंड PAC का किसके साथ रिलेशन है. तो अगर हम देखेंगे PAC का रिलेशन तो वो QBC के साथ है. सो हम लिखेंगे यहाँ पे QBC. अब इसमें क्या चीज़ें आपको इक्वल दिख रही हैं वो आप पिक करिए जिससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए प्रूव. सो इसमें हमें 90 डिग्री ये मिलेगा और ये भी 90 डिग्री और ये एंगल C अगर आप देखोगे ये बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी इन दोनों में C कॉमन है. तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B और इसके लिए आप लिख लेना 90 ईच. अब एंगल C के केस में आप लिख लेना एंगल C कॉमन है. सो यहाँ पे आप कॉमन लिख लेना. दो चीज़ों से ये हम सिमिलर लिख सकते हैं. सो PAC सिमिलर है ट्रायंगल QBC के. सिमिलर किस क्राइटेरिया से है तो डबल ए से है. इसको आप लिख सकते हो PA अपॉन BQ और आप लिख सकते हो PA अपॉन BQ और लिख सकते हो AC अपॉन BC. ये लिख सकते हो आप CPST से रेशियोज में लिख लोगे आप साइड्स को. अब देखो PA क्या है तो PA है अपना X और BQ क्या है तो वो है Y और AC क्या है नहीं गिवन है तो ऐसे ही रहने दो AC अपॉन BC. इसे फर्स्ट इक्वेशन आप डील कर लो. इतना समझ में आया. सिमिलरली हम आ जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में RCA में. सो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल RCA एंड ट्रायंगल QBA. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में भी आप देखोगे तो ये C 90 डिग्री और ये B 90 डिग्री. तो ये आप लिखोगे एंगल C एंड एंगल B ये 90 है ईच दोनों केसेस में और एंगल A कॉमन है तो इसके लिए आप लिखोगे कॉमन. समझ में आया. अब इन दोनों चीज़ों से आप लिख सकते हो RCA सिमिलर है किसके QBA के डबल A क्राइटेरिया से. समझ में आया. अब ये दोनों चीज़ें अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स सेम रेशियो में होंगे तो उसे आप लिखोगे RC अपॉन BQ. यहां से भी देख सकते हो RC अपॉन BQ इक्वल टू AC अपॉन AB. यहां से भी देख सकते हो AC अपॉन AB. समझ में आया. अब इसके लिए रीजन आपको लिखना जरूरी है तो आप लिख देना आप यहां पे CPST. इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ये लिख लिया आप लोगों ने. अब देखो RC को आप क्या लिख सकते हो. RC है अपना Z तो यहां लिखो Z और BQ है. BQ क्या है तो ये है Y और इक्वल टू AC क्या है तो AC अपने को पता नहीं है ऐसे ही रहने दो और AB नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो. अब ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों है. अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है इन दोनों इन्फॉर्मेशन में एक्स वाई जेड वाई आ रहा है और ए सी बी सी और ए सी ए बी आ रहा है और हमें प्रूव करना है रिलेशन एक्स वाई जेड में यानी ए सी बी सी ए सी ए बी को ख़त्म करना है. तो कैसे ख़त्म होगा तो दोनों इक्वेशन में ए सी कॉमन है. तो अगर हम इक्वेशन यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड
अगर ये कर दिया आपने फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका y से y कट गया और ac से ac कट गया, तो ये मिल गया x अपॉन जेड इक्वल टू, ये चीज ऊपर चली आएगी, ab अपॉन bc आ जाएगा, ab अपॉन bc। अब देखो यहां पे ab और bc भी आ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्स वाई जेड चाहिए तो यहां पे आ नहीं रहा है, तो इसे कैसे हटाए। अब AB और BC को हटाने के लिए देखो, AB और BC ये तभी हट सकता है जब AC कंप्लीट हो, क्योंकि ये एक ट्रायंगल्स को और BC दूसरे ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोथ साइड आप क्या करोगे, वन ऐड करोगे, बोथ साइड वन ऐड, तो यहां पे लिखोगे बोथ साइड ऐड वन, समझ में आया। ये करने से ये हो जाएगा आपका Z प्लस एक्स अपॉन जेड, और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी, इतना समझ में आया। अब ये करने से देखो ए बी प्लस बी सी को, ए बी प्लस बी सी को आप ए सी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और इधर आप ऐसी रहने दो जेड प्लस एक्स अपॉन जेड। अब देखो इसे इक्वेशन थर्ड लो और AC अपॉन BC आप देखोगे तो अपनी निकाले गए इक्वेशंस में से एक इक्वेशन AC अपॉन BC है ना, तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को अगर हम डील करें तो AC BC क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा अपने को Z प्लस X अपॉन Z इक्वल टू X अपॉन Y, समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो लग गया। अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा जेड वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा जेड एक्स। अब देखो रिलेशन किस में लाना है, तो रिलेशन लाना है एक्स वाई जेड में, है ना, वन अपॉन एक्स वन अपॉन जेड वन अपॉन वाई, तो अगर यहां पे जेड एक्स से मैं बोथ साइड, जेड एक्स से मैं बोथ साइड क्या करूं, डिवाइड, यहां पे लिखो डिवाइड, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा, ये जेड वाई अपॉन जेड एक्स, एक्स वाई अपॉन जेड एक्स, और ये हो जाएगा जेड एक्स अपॉन जेड एक्स, इतना समझ में आया। अब देखो जेड एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया, और यहां पे जेड जेड कट गया। अब इन दोनों में वाई है तो वाई को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम इधर कर लेते हैं, देखो इन दोनों में y है तो y कॉमन ले लो, यहां बचा 1 1 अपॉन x, यहां पे भी y बाहर हो चुका था तो 1 अपॉन z बचा, इधर क्या बचा तो 1 बचा है, समझ में आया। अब चाहिए क्या, 1 अपॉन x 1 अपॉन z 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन z इधर ही रोक लो और इस y को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y, यही चीज चाहिए था जो मिल चुका है। ओके, हैंस प्रूव्ड।